पिछले 3 महीने से जो बिल भरा है क्या झक मारने के लिए हम लोगों ने बिल भरा हो? ऐसा बिल आया है कि उन लोगों को अपनी जेब से मुझे पैसा देना पड़ेगा। अब क्या मैं ट्रांसफॉर्मर पर चार्ज और नेटवर्क करूं? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर को लेकर मुंब्रा कौसा के लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया है, मगर अब फरवरी में जो बिल भेजा गया था और जो जून के महीने में बिल भेजा गया है उसमें गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। इसी की शिकायत लेकर शना शेख खरड़ी रोड स्थित टोरेंट पावर के दफ्तर गई थी। शना शेख मुंब्रा के रसीद कंपाउंड की रहने वाली हैं और उनका कहना है कि जो फरवरी में टोरेंट पावर द्वारा बिल भेजा गया था और जो अब जून के महीने में बिल भेजा गया है, इन दोनों बिल में काफ़ी गड़बड़ी है, जिसकी शिकायत लेकर वो टोरेंट पावर के दफ्तर पहुंची हैं। इसके अलावा और भी शना शेख ने कई आरोप लगाए हैं। बिजली कटने पर कस्टमर केयर से जवाब सही नहीं मिलता है और जो टेक्नीशियन है वो भी ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है। और शिकायत लेकर टोरेंट पावर दफ्तर पर पहुंची शना शेख ने मीडिया कर्मियों को क्या जानकारी दी है, सुनिए। मुंब्रा कभी नहीं बोल सकती, जहाँ जहाँ टोरेंट है वो वहाँ का प्रॉब्लम है, जैसे कि मुंब्रा में है, कलवा में है, दीवा में है, भिवंडी में है। इनफैक्ट मैं पूरा एनालिसिस कर रही हूँ 3 मंथ से पूरे टोरेंट को, गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह सेम प्रॉब्लम है कि सबका बिल ज्यादा आ रहा है। अब पब्लिक बोल रही है हम लोग इतना यूज नहीं कर रहे हैं, बिल क्यों ज्यादा आ रहा है, बट कोई पॉइंट ये नहीं पकड़ पा रहा है कि ये लोग क्या करेंगे। जब यहाँ पर मुंब्रा में MSEB था फरवरी तक का, उसके बाद टोरेंट को हैंड ओवर किया इसने मार्च से बिल आने लगा टोरेंट वालों का, तब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और तब से किसी के घर पर पेपर बिल नहीं आया। अब ज्यादातर 70-80 जो मुंब्रा की पब्लिक है वो पूरी इलिटरेट है, ज्यादातर लोगों को ऑनलाइन इंटरनेट यूज करना नहीं आता, तो लोगों को पता नहीं चला कि बिल क्यों आया। अब जब जून में बिल आया है, अभी एक प्रूफ है मेरे पास, अब जब जून में बिल आया है तो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा आया है। अभी 3 मंथ्स तक नॉर्मल आया था, कोई ऑनलाइन भरा, कोई ऑनलाइन नहीं भरा। अब क्या हुआ है मैं आपको एक बताती हूँ, आप लोग कवर करो इस चीज को। जैसे कि ये जैन, मैंने पूरा मतलब 6 मंथ का पूरा स्टडी किया है, जैन का बिल है, मेरी यूनिट है 24,106 और जो जहाँ पर लास्ट यूनिट थी 24,178, टोटल यूनिट आई है 72। ये मेरा जैन का बिल है, बिल मेरा आया है 500 रुपया। नेक्स्ट मंथ का यूनिट है 24,178, लास्ट जो यूनिट है उस पर ध्यान देना, फरवरी की लास्ट यूनिट है 24,244, 24,244, मेरा बिल आया है बिल्कुल नॉर्मल 480 जो मेरा यूज है वो, ठीक है। अब मार्च में बिल आया है इन लोगों का, एक यूनिट उन लोगों ने लिया है 24,244 और जो लास्ट की जो यूनिट रहती है वहाँ पर इन लोगों ने लिखा है उपलब्ध नहीं, मतलब अवेलेबल नहीं है, वो मेरा बिल आया 540 रुपया, मैंने भर दिया। अप्रैल का बिल आया है 390, यूनिट है 24,244, लास्ट यूनिट फरवरी की और जो नेक्स्ट यूनिट है उपलब्ध नहीं, वो बिल भी मैंने भर दिया। अब मई का बिल आया है 560 रुपया, मागी यूनिट, पिछली यूनिट 24,244, कौन सी वाली, फरवरी की, जो नेक्स्ट यूनिट इन लोगों को लिखना चाहिए क्योंकि ये लोग बोल रहे थे मैन पावर इन लोगों के पास नहीं है, कोई आकर रीडिंग नहीं ले सकता, और जो नेक्स्ट यूनिट है उन लोगों ने लिखा उपलब्ध नहीं, वहां पर मेरा बिल आया 560 रुपया, वो भी मैंने भर दिया, ठीक है। अब जून में उन लोगों ने इतनी बड़ी गलती की, मतलब इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं उनका स्टाफ, मेरा बिल आया 710 रुपया जो मेरा यूज नहीं था। बीच में अभी 10-15 दिन पहले 30 घंटे के लिए लाइट गई थी, 2 दिन लाइट नहीं थी पूरे मुंब्रा में, ठीक है, तब मैंने जितेंद्र और सर को भी फोन किया था, काफी बहस हुई थी, उसके बाद दूसरे दिन लाइट आई। अब उन लोगों की यूनिट है 24,244, कौन सी वाली, फरवरी की, नेक्स्ट यूनिट है 24,590, माइनस करो तो टोटल यूनिट आ रही है 346, मेरा बिल आया 710 रुपया। सेम मेरी मॉम के घर का भी वैसे ही हुआ, ठीक है, हम लोगों ने 3 महीने से जो बिल भरा है क्या झक मारने के लिए हम लोगों ने बिल भरा हुआ है। अगर आपको अभी मतलब लास्ट यूनिट आप फरवरी की यूनिट ले रहे हो और ये यूनिट ले रहे हो इस मतलब वो माइनस ये कर रहे हो, तो 3 महीने का जो आपने बिल मतलब हम लोगों से लिया है, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन में शायद आप अपने घर का खर्चा चला रहे रहोगे।
राइट, तो वो पैसा पूरी पब्लिक को रिटर्न करूँ? जैसा मेरा बिल आया सेम मेरी मॉम के साथ भी वैसे ही हुआ, मैंने पूरा स्टडी किया दोनों बिल को। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे शायद डाउट होता कि शायद यहाँ के 15 लाख लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, बट अगर मेरी मॉम के साथ हुआ तो ये सारे सब लोगों के बिल पर हुआ रहेगा। तो 2 महीने का पैसा भरे थे वो आपका माइनस नहीं हुआ। 3 महीने सर माइनस क्यों होगा? उन लोगों को पता ही नहीं था कि पब्लिक इस चीज पर ध्यान देगी, वो लोग पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। अभी रीडिंग पे बिल भेजा जा रहा है, जो पिछली वाली रीडिंग थी ना जो फरवरी की लास्ट यूनिट, उन लोगों ने वो यूनिट लिया और अभी जब जून में उन लोग 15-16 तारीख को यूनिट लेने आए थे वो यूनिट को इसमें से माइनस किया इन लोगों ने। तो फिर 3 महीने की जो यूनिट ली गई है, जो बिल दिया गया है उसका क्या? तो 3 महीने का बिल रिटर्न करो, हम लोगों को पैसा रिटर्न करो, हम लोग अभी का बिल भरते हैं। सिंपल, ऐसा बिल आया कि उन लोगों को अपनी जेब से मुझे पैसा देना पड़ेगा। एक्चुअली इन लोगों ने पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। उन लोगों ने क्या सोचा कि पब्लिक के पास पेपर बिल नहीं है, कोई ये नहीं देख सकता, पब्लिक तो बेवकूफ है तो कोई ये नहीं देख रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ऑनलाइन यूज करो, लॉग इन करो टोरेंटी IMSCB की साइट पर, वहाँ डिस्कॉम की साइट पर, वहाँ पर लॉग इन करो, जाकर अपना PDF पूरा 6 महीने का निकालो, आपको भी सेम इश्यू मिलेगा जैसा मुझे मिल रहा है। तो आप लोग ये देखोगे ना तो आप लोग भी अगर यहाँ की कितनी पब्लिक मतलब 3-4 महीने से बिल नहीं भरी है, लेकिन जो जो पब्लिक 3 मंथ से ऑनलाइन बिल पे कर चुकी है, तो जब आप लोग देखोगे ना आपका बिल्कुल पेड आएगा और मेरा हर मंथ का बिल पेड आ रहा है बराबर। लेकिन जब आप लोग पेड देखोगे ना कि हाँ इनका पेड हुआ है, मैं पब्लिक से बोल रही हूँ कि जब आप लोग अपना पेड बिल देखोगे और ये जून का जो ज्यादा है, अगर आप उसकी यूनिट कैलकुलेट करोगे ना तो वो यूनिट फरवरी की ही रहेगी जो फैब में उन्होंने लिया था। तो ये 3 महीने का जो आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया तो फिर कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे आ गया? आप लोग हम लोग से पैसा ले रहे हो, जब आप लोगों ने वहाँ पर अपने स्टाफ को काम के लिए नहीं भेजा तो हम लोग अपना पैसा आपको क्यों देंगे 3 मंथ्स के लिए? जब आप लोगों ने लास्ट यूनिट फरवरी के लिए थी, जो भी लास्ट यूनिट थी, और इस मंथ की जो करंट यूनिट जो 15-16 तारीख को आप लोग आकर माइनस कर रहे हो, तो 3 मंथ से जब आपका स्टाफ नहीं आया तो हम लोग के पास भी हराम का पैसा तो नहीं है कि हम लोग अपना पैसा देंगे तुम लोगों को? सीधे सी बात है, हम लोग के पैसे से लॉकडाउन में उनका घर चला है, इतने फकीर हो गए टोरेंट वाले। और टोरेंट में आपने कोई अधिकारी से बात की टोरेंट के? सर जी एक से बात की थी, एक मैनेजर का नंबर है, नाम नहीं जाहिर करना चाहूंगी, जितेंद्र और सर ही उनका नंबर दिया था मुझे। तो जब भी लाइट जाती है मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं कस्टमर केयर में फोन करती हूँ तो मतलब उन लोगों को तो मतलब बात करने की तहजीब है नहीं, मतलब बिल्कुल बदतमीजी से बात करते हैं। अभी जैसे कल मेरी लाइट गई तो वहाँ पर मुझे बोलने लगे कि दो घंटा लगेगा स्टाफ को आने के लिए, टेक्नीशियन को आने के लिए। तो मैंने उन लोगों को ये बोला कि 2 घंटा मैं ऐसे ही बैठी रहूँ सर, तो मुझे बंदा ये बोलता है जैसे बैठना है वैसे बैठो। तो अब उन लोगों को पता नहीं है कि मैं ऊँट भी बन सकती हूँ, और मुझे नहीं, फिर उन लोगों को नहीं पता मैं कौन सी गड़बड़ बैठ जाऊंगी, फिर उन लोगों को पूरा चेंज करना पड़ेगा अपना पूरा सिस्टम। दूसरी बात, जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि लाइट कब आएगी मैम, या जो भी लेडीज जो जेंट्स होते हैं स्टाफ, तो वहाँ पर बात क्या होती है कि मतलब वो लोग पूछते हैं कि आपका फीडर कौन सा है, मतलब ट्रांसफार्मर कौन सा है, आपके सामने पूरा सिस्टम है, मैं आपको पूरा अपना कंज्यूमर पूरा नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप मुझे बताओ ना, मैं थोड़ी ना आपके ट्रांसफार्मर पर चढ़कर देखी हूँ कि कौन से एरिया में मेरा आ रहा है। फिर भी मुझे उन लोगों से ज्यादा नॉलेज है, मैं उन लोगों को बताती हूँ हाँ मेरा सागर फीडर में आता है या बरकत पर फीडर में आता है। अब ये लोग अचानक से फीडर चेंज कर देते हैं, वो वहाँ पर पूरा कंफ्यूजन हो जाता है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फीडर में आया कौन से नहीं। अब उसके बाद मैनेजर सर से मैं जब बात करती हूँ कि आपके स्टाफ को कुछ पता ही नहीं है कि कब लाइट आएगी या कौन से फीडर में, तो वो किसी टेक्नीशियन को भेजते हैं। अब टेक्नीशियन जब आता है तो मतलब यार हद होती है यार, उससे ज्यादा तो मुझे पता है, मुझे बोलता है कि मैडम मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, लाइट क्यों गई है, ऐसा ऐसा पता नहीं, अजीब अजीब सी बात। अब मेरे हस्बैंड को नीचे बुलाता है, वो हस्बैंड जब जाते हैं तो पूरा रेड डब्बे में जब देखते हैं तो पूरा इन लोगों ने पूरा जंपर्स मार कर रखा है, 15 घंटे तुम लोग काम करते हो। लोग ये बोलते हैं कि 200 एम्पियर का रहता है सर, 250 एम्पियर का नहीं आता। मेरे हस्बैंड बोलते हैं 250 का आता है, नहीं सर डायरेक्टली 315 का आता है। अरे भाई जब फोन का डब्बा देखा जाता है तब पता था, अरे ये MSCB नहीं लगा था, मतलब उनको इतनी इंक्वायरी नहीं है। प्लस मैं जब बोलती हूँ कि सर पब्लिक इतनी है यहाँ पर, 15 लाख की पब्लिक है, वो लोग खुद बोलता है कि पब्लिक इतनी इसलिए लग जाती है। तो भाई तुम लोग नई कंपनी लेकर आयो तो अपना एक ट्रांसफार्मर लगा लो, एक दो ट्रांसफार्मर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे भी जून में अपनी ईद तो मतलब दिवाली तो हो ही चुकी है, मतलब पटाखे चलते हुए हम लोगों ने देख चुके, तो एक दो ट्रांसफार्मर बढ़ा दोगे क्या हो जाएगा? तो मुझे उसका मैनेजर ये बोलता है या स्टाफ वाले ये बोलते हैं मैडम पूरा नेटवर्क करना पड़ेगा। अब क्या मैं ट्रांसफार्मर पर चढ़ जाऊँ और नेटवर्क करूँ? तो उनसे ज्यादा काम तो मुझे आता है पूरा इलेक्ट्रिकल का। मैं उन लोगों को समझाती हूँ सर ऐसा करो सर वैसा करो, मतलब हद होती है यार, कौन से टेक्नीशियन को भर के रखा हुआ है, पता नहीं 10th पास भी है या फेल है, अब पता नहीं ITI की सर्टिफिकेट है कि नहीं, उससे ज्यादा तो मैंने डिग्री ली हुई है, मुझे ही बुला लो, मतलब पूरे स्टाफ को निकाल लो। लाइट ज्यादा इन लोगों को ग्रिड को पहला पता चलता है कि कौन से एरिया का लाइट ज्यादा, ग्रिड सबसे पहले यूनिट ग्रिड को पता चलता है, इन लोगों को ये तक नहीं पता ग्रिड क्या होता है। अगर उनसे टेक्नीशियन से अगर टेक्निकल बात करेंगे तो उन लोगों को पूरी जीरो नॉलेज है। प्लस
वो लोग जब आते हैं काम करने के लिए तो फ्लैश लाइट यूज होती है, टॉर्च नहीं यूज होता है, ठीक है। अब कल बंदा आया, कल मैंने मैनेजर को फोन किया था, सर 2 घंटे से लाइट नहीं आई है। बंदा आया मुझे फोन कर रहा है, मैडम मैं यहाँ पर बरकत पार्क फीडर के पास हूँ। अब वो मैंने मतलब हम लोग दोनों साथ में ही थे, नीचे ही थे। मैडम आपका ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? मैंने बोला सर बरकत पार्क के आता है। तो आपका वो जो रेड डब्बा कहाँ पर है? मैंने बोला मिलेनियम के पास आता है। कहाँ है मैडम, जरा चलकर बताओ ना। मतलब आपने अपने टेक्नीशियन को, यार डिजिटल पूरा जमाना हो गया, जब आप लोग हम लोग को ये बोल रहे हो कि ऑनलाइन पेमेंट करो, लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलो, जब इतना बोल रहे हो कि हम लोग भी डिजिटल यूज करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, तो आप जब अपने टेक्नीशियन को पूरी जब टेक्निकल पूरी ट्रेनिंग देते हो, तभी आप लोग ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐप बनाओ कि उन लोग को बता दो कि अगर ये कंज्यूमर से अगर फोन आ रहा है तो वो कहाँ पर अवेलेबल है। उन लोगों को लोकेशन ऐसी प्रोवाइड करो कि मतलब वो लोकेशन से उन लोगों को पता चले कि वो लोग कस्टमर से नहीं पूछे कि मैडम ये फीडर कहाँ पर है, हमको लेकर चलो, ये वाला लाल डब्बा कहाँ पर है। भाई ऐप बनाओ ना टोरेंट वाले की, मतलब उन लोगों को पूरा पता चले, हाँ ये डब्बा यहाँ पर है। अभी कहीं जाना होता तो हम लोग नहीं पूछते पहले जैसा पूछा करते थे कि भाई ये वाली बिल्डिंग कहाँ पर है, हाँ राइट मारो लेफ्ट मारो। अभी तो सब गूगल मैप पर ही हो जाता है, सब कुछ एक एक चीज आती, गली गटर भी आ जाती है। तो भाई आप भी अपना गटर जैसा पूरा, जो लाल डब्बा है आपका, गटर जैसा जो ट्रांसफॉर्मर है, वो भी आप बता दो। मतलब उस पर कि भाई टेक्नीशियन को पता चल जाए, वो ये नहीं पूछे कि कौन से उसके ट्रांसफॉर्मर में। क्या नाम है? मैं सना शिख, मैं रशीद कंपाउंड में रहती हूँ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।